इस वीडियो में इस चैनल के द्वारा नीट यूजी एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स आपको बताया जाएगा। ओपनिंग मार्क्स कितना है, क्लोजिंग मार्क्स कितना है, इससे स्टूडेंट आपको डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को आप समझ सकते हैं। कितना कट ऑफ ट्रेंड्स आपको रहा है उसके बारे में आपको डिस्कस किया जाए। इससे स्टूडेंट्स को बहुत आपको मोटिवेशन होगा एग्जाम की तैयारी करने में, डिफिकल्टी लेवल को समझने में आपको आसानी होगी। तो ये आपको कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2022 में ओपनिंग मार्क्स 715 थे, क्लोजिंग मार्क्स 117 था। 2021 में ओपनिंग मार्क्स 720 था, क्लोजिंग मार्क्स 138 था। 2020 में 720 था ओपनिंग मार्क्स और क्लोजिंग मार्क्स 147 था। 2019 में 701 था और 134 था। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको था। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए ओपनिंग मार्क्स 116 था, क्लोजिंग मार्क्स 93 था। 2021 में ओपनिंग मार्क्स 137 था और क्लोजिंग मार्क्स 108 था। 2020 में ओपनिंग मार्क्स 146 था और क्लोजिंग मार्क्स 129 था। 2019 में 133 था और 120 था। रिजर्व कैटेगरी के लिए 2022 में ओपनिंग मार्क्स 116 था और क्लोजिंग मार्क्स 105 था। 2021 में 137 था और 122 था। 2020 में 128 था और 113 था। 2019 में 133 था और 107 था। रिजर्व पीडब्ल्यूडी में ओपनिंग मार्क्स 104 था और क्लोजिंग मार्क्स 93 था। 2021 में 121 था और 108 था। 2020 में 128 था और 113 था। 2019 में 133 था और 107 था। ये आपको नीट का कट ऑफ मार्क्स आपको बताया जा रहा है। स्टूडेंट को काफी हेल्प मिलेगा डिफिकल्टी लेवल को आपको समझने के लिए। ये सारे ट्रेंड जानने के बाद उसे आइडिया लग जाएगा एग्जाम देने के बाद कि उसने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, उसका क्या क्या रैंक आएगा, उस पे आपको डिसीजन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे आपको आपको क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ मार्क्स का एग्जाम देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, आपको नीट के बारे में हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे।